So hi friends, this is Sayyam Seth from our channel TrueCam Production. Let's get started. इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक्टिंग की, फिल्म मेकिंग की टिप्स जो हैं आपको देते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग मंडे को एक्टिंग के ऊपर बात करते हैं एंड वेंसडे को हम लोग फिल्म मेकिंग के ऊपर बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से फिल्म मेकिंग किस तरीके से होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ एंड आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स इंडिपेंडेंटली। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं। अभी हाल ही में हमारी दो सीरीज़ सोफिया एंड सट्टा जो है वो MX प्लेयर पे हम लोगों ने रिलीज़ की है। बिना किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के, बिना हम लोगों ने MX प्लेयर जैसे बड़े OTT पे अपनी दो सीरीज़ लॉन्च की हैं। तीन सीरीज़ हमारी अभी लाइनअप पे हैं जो कि बहुत ही जल्द MX प्लेयर पे आपको लाइव दिखेंगी। बिना किसी बड़े प्रोडक्शन के सपोर्ट के बिना ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ? ना हमारे पास इतने फाइनेंस थे कि हम लोग 2-3 करोड़ रुपए लगा के कोई सीरीज़ बनाए और उसके बाद उसको रिलीज़ करें। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए एंड आप 100% उस गोल को अचीव करेंगे। तो फिल्म मेकिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम 2-3 वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते। बट मेरी जो 6-7 साल की जर्नी है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, जो उनका सार है, जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इन 4 या 5 वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो 5 टॉपिक्स में बटा हुआ है एंड 5 वीडियोज 5 वेंसडे को आएंगी। तो आप प्लीज़ 5ों वीडियो देखना। जो बेस है वो फिल्म मेकिंग का क्या है? सबसे पहले आता है डेवलपमेंट। किसी भी फिल्म को स्टार्ट करने से पहले उसका डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब इस डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आई? डेवलपमेंट का सबसे पहला पार्ट है कोई भी स्टोरी, कोई भी आइडिया। आप कहीं पर बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपको आपके दिमाग में कोई स्टोरी आई, तो वो जो आइडिया है आपका वो डेवलपमेंट का पहला पार्ट है। कोई भी आइडिया आना, किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी स्टोरी को पढ़ के, कुछ भी हादसा देख के आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, तो वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आता है। अभी डेवलपमेंट में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आया उस पर आप काम करना स्टार्ट करते हो। जैसे स्टोरी का जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखनी है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आप लिखना स्टार्ट करते हो। तो कोई भी फिल्म जब लिखी जाती है वो एक बार में नहीं लिखी जाती, वो कई बार लिखी जाती है, उसमें कई चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट में उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा जाता है कि सबसे पहले रॉ फिल्म की मेरा ये आइडिया है, मैं इस तरीके से इस चीज़ को करना चाहता हूँ। तो डेवलपमेंट में उस स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा जाता है। उसके बाद इसी प्रोसेस में जो आपका आइडिया है उसकी फाइनेंसिंग होती है कि ये प्रोजेक्ट मैं जो सोच रहा हूँ इसका बजट इतना जा सकता है। जैसे मैंने कोई अगर स्टोरी सोची, उसको मैं सोच रहा हूँ कि फॉरेन में शूट करना है, या स्क्रिप्ट की नीड है कि उसको फॉरेन में शूट करना पड़ेगा, या फिर आउटडोर लोकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई ऐसी लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा महंगी आएगी, तो हमें अराउंड आइडिया मिल जाता है कि इसका फाइनेंस कितना जाएगा। या फिर मुझे कोई एक्टर पता है कि इस स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे वही एक्टर चाहिए। तो डेवलपमेंट में हम ये सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं, इस आइडिया की कॉस्ट जो है वो इतनी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फाइनल करते हैं। उसके बाद जो भी आइडिया होता है हम लोग जाते हैं तो हम डायरेक्टर से मीटअप करते हैं, प्रोडक्शन से मिलते हैं जाके कि मेरे पास ये आइडिया है, ये मेरा विजन है, क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपका आइडिया लोगों को पसंद आता है, अगर डायरेक्टर्स, अगर प्रोड्यूसर्स को वो चीज़ पसंद आती है, तो जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है आगे तब बढ़ता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना पड़ता है, आइडिया लाना पड़ता है, उसका फाइनेंस डिसाइड करना पड़ता है कि कितना जाएगा, और जाके प्रोड्यूसर से मीटिंग करनी पड़ती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपको गुजरना ही पड़ेगा।
आप बिना आइडिया के कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, या फिर आप बिना स्क्रिप्ट लिख के आप शूट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट प्रोसेस फिल्म मेकिंग का डेवलपमेंट। मैंने आज आपको फर्स्ट प्रोसेस जो है डेवलपमेंट, उसकी बेसिक चीज़ें बताई जिसके थ्रू एक राइटर को, डायरेक्टर को या फिर एक फिल्म मेकर को उसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं बनाने का, या आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, तो सबसे पहले उसका आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें। जो भी आप सोच रहे हैं उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है आप लिखिए, उसके बाद आप जाके प्रोड्यूसर से मिलिए। बिकॉज आप जाके सिर्फ अपने मुंह से बताएंगे कि मेरे पास एक आइडिया ऐसा चल रहा है, उसमें ऐसा होगा वैसा होगा, तो प्रोड्यूसर भी या फाइनेंसर भी सबसे पहले ये बोलते हैं कि कुछ दिखाइए, कुछ अगर आपने लिखा है तो वो दिखाइए, पढ़ के सुनाइए। क्योंकि जो प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग है वो इस प्रोसेस के थ्रू ही गुजरती है। तो आपके पास अगर कोई आइडिया है उसको सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखिए, उसके बाद जाके प्रोड्यूसर से मिलिए। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारे फिल्म मेकिंग के प्रोसेस का फर्स्ट वीडियो, डेवलपमेंट। कीप वॉचिंग ट्रू कैम प्रोडक्शन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।